Android Oreo has arrived. Safer. Smarter. More powerful. And sweeter than ever. तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में ही देख लिया है कि एंड्रॉइड ओ बन चुका है, एंड्रॉइड ओरियो, और इसके साथ आई हैं कई सारी अपडेट्स, कई सारे फीचर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज उन्हीं अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं और मैं बताऊंगा आपको उन अपडेट्स में क्या क्या फीचर इंक्लूड हैं। तो दोस्तों, उन फीचर्स को जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जो पहली चीज़ देखने को मिलती है वो है बूट एनिमेशन, यानी कि जो ओरियो है उसके अंदर बूट एनिमेशन होने वाली है काफ़ी फास्ट। यानी कि जैसे ही अपने फ़ोन को आप रीस्टार्ट करते हैं, आपका फ़ोन दुगनी स्पीड से रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रीस्टार्ट की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। बात करूँ कुछ अगले फीचर्स की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 2x स्पीड और बैकग्राउंड लिमिट्स, यानी कि जो आपके बैकग्राउंड में ऐप चलते रहते थे और जो आपके फ़ोन को स्लो कर देते थे, उनको ये लिमिट कर देगा, उनकी स्पीड पे ये रोक लगा देगा। तो ये चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है ओरियो के अंदर। बात करो अगले और फीचर की, तो आपको देखने मिलता है ऑटोफिल, यानी कि ये फिल, ऑटोफिल का जो फंक्शन है वो काफ़ी पहले से इंक्लूड कर रखा है गूगल ने, बट अब ये होने वाला है सारे ऐप्स के अंदर, यानी कि अब ये सपोर्ट करेगा ऑल ऐप्स को। यानी कि जैसे ही आप लोग अपना कोई पासवर्ड है और ईमेल डालते हैं किसी ऐप के अंदर, तो ये दोबारा ही अपने आप उसको रिफिल कर देगा। ये फिर काफ़ी अच्छा फीचर इंक्लूड किया है गूगल ने। आगे बात करूँ कुछ और फीचर्स की, तो इसमें देखने को मिलता है आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड, जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी कि जैसे ही आप कोई और टास्क कर रहे होंगे और वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए आप, तो दूसरा ऐप आप आसानी से खोल सकते हैं। यानी कि एक टाइप से इसे मल्टी टास्किंग फीचर भी कहा जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और देखना होगा आने वाले टाइम में ये कितना यूज़फुल होता है। यानी कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, वीडियो कॉल के लिए आप आसानी से दूसरे ऐप को स्विच कर सकते हैं उसके बीच में। बात करूँ अगले फीचर की, तो अगले फीचर में आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन डॉट्स और एंड्रॉयड इंस्टेंट ऐप। तो इंस्टेंट ऐप्स का जो अपडेट है वो दोस्तों अभी आ चुका है, और जो ये नोटिफिकेशन डॉट है, ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे ही आप ऐप को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। बात करूँ दोस्तों कुछ और फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है गूगल प्ले प्रोटेक्शन, यानी कि जब वो आपका फ़ोन है वो गूगल प्ले सर्विसेज के मामले में होने वाला है और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड। और बात करूँ बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ भी देखने को मिलेगी आपको काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिसेंट, जिससे आपका फ़ोन काफ़ी लॉन्ग बैटरी बैकअप देगा। बात करूँ इमोजीज़ की, तो गूगल ने काफ़ी नई इमोजीज़ की अपडेट भी इनरोल करी है, जिसमें आपको कई नई अपडेट्स में नई इमोजीज़ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये था क्विक नोटिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दैट्स ऑल इट गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।